हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 19 जुलाई का फर्स्ट एडिटोरियल। पहले आज की वर्ड्स देखें तो पहला है फिश फॉर, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है फ्रेजल वर्ब? इसका मतलब है टू ऑब्टेन और ट्राई टू ऑब्टेन कर दीजिए, टू ट्राई टू ऑब्टेन, प्राप्त करने की कोशिश करना या सर्च समथिंग, किसी चीज़ को तलाशने की कोशिश करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं फिश फॉर। रिफ्लेक्सिवली है वो एक एडवर्ब है, ly दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्सिवली का मतलब होता है विदाउट कॉन्शियस थॉट, विदाउट कॉन्शियस थॉट, बगैर सोचे विचारे कह सकते हो, बगैर कुछ जानकारी के कह सकते हो, ये रिफ्लेक्सिवली। कंडीशनड है वो एक एडजेक्टिव है, तो ईडी लगकर ऐसा नहीं है कि केवल वर्ब ही आती हैं, एडजेक्टिव्स भी बन सकते हैं। वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं इस प्रकार के वर्ड्स को जो वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव होते हैं। इसका मतलब है या तो एकस्टम्ड या फिर आप इसे कहेंगे ट्रेंड, तो अभ्यस्त कह सकते हैं, प्रशिक्षित कह सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। फेड एक वर्ब है, फेड का मतलब है टू डिसअपियर स्लोली। फेड का मतलब क्या है? टू डिसअपियर स्लोली, धीरे धीरे गायब होने को क्या कहा जाता है? फेड। फिर स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन एक वर्ब है, इसका मतलब है इम्प्रूव, सुधार करना, ठीक है। स्ट्रीमलाइन से मतलब क्या है? इम्प्रूव करना, सुधार करना। नेक्स्ट है ऑन द लाइन्स ऑफ, ये एक फ्रेज है। ऑन द लाइन्स ऑफ का मतलब होता है सिमिलर टू समथिंग, किसी चीज के समान होना। और मूट वर्ब के रूप में दे रखा है इस एडिटोरियल में, इसका मतलब है इंट्रोड्यूस या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या, पुट फॉरवर्ड, प्रस्तुत करना, इंट्रोड्यूस या पुट फॉरवर्ड, प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ये तो आज के वर्ड्स हैं, इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए आज का सेशन है, उसका टाइटल है कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये एक फ्रेज होती है कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब कार्ट का मतलब गाड़ी है, हॉर्स का मतलब घोड़ा है। देखिए घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा आगे गाड़ी पीछे, ये तो है एकदम सामान्य चीज़। अगर गाड़ी आगे घोड़ा पीछे तो ये है असामान्य, बिल्कुल विपरीत, ट्रेंड के विपरीत, जो होना चाहिए उसके विपरीत। तो कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब भी यही है, ऑपोजिट होना किसके, ट्रेंड के, जो भी प्रवृत्ति होनी चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत होना। अब देखिए स्टार्ट करें। टू रिसेंट प्रनाउंसमेंट्स, प्रनाउंसमेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन या फिर अनाउंसमेंट भी कह सकते हो, अनाउंसमेंट, घोषणा बोलते हैं क्या, प्रनाउंसमेंट। तो टू रिसेंट प्रनाउंसमेंट्स, टू मतलब दो, रिसेंट मतलब वर्तमान में, हाल ही में, प्रनाउंसमेंट्स मतलब घोषणाएं, तो दो हाल ही में घोषणाएं की गई। वन अ जुडिशियल ऑर्डर, एक घोषणा तो क्या थी, एक न्यायिक आदेश दिया गया, एंड अनदर, और दूसरा क्या था, अ पब्लिक स्पीच, एक सार्वजनिक भाषण दिया गया, किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ये जो दो घोषणाएं हुई हैं, इन प्रनाउंसमेंट्स की वर्ब है हैव, और ड्रॉ की थर्ड फॉर्म है ड्रॉन। तो इसने क्या किया है, ध्यान आकर्षित किया है, इसने ध्यान खींचा है, किस तरफ खींचा है, टू द मैनर, उस तरीके की ओर, इन विच, जिस तरीके में बेल लो, भारत में जमानत संबंधी जो कानून है, ऑपरेट, संचालित होता है इन द कंट्री, देश में। दो सब्जेक्ट हैं, एक प्रोनाउंसमेंट से इसकी वर्ब तो हैव ड्रोन है। अब ड्रो की तीनों फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, एक होता है ड्रो, सेकेंड फॉर्म होती है ड्रू, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रोन, ड्रो, ड्रू एंड ड्रोन, ठीक। तो इसकी वर्ब तो है ये हैव ड्रोन, और बेल लो है, इसकी वर्ब है क्या, ऑपरेट्स। ये दो सब्जेक्ट, दो वर्ब हैं। बाकी वर्ब्स, अगर वर्ड्स की बात करें, वोकैब की बात करें, तो इसमें एक वर्ड दे रखा है प्रनाउंसमेंट, इसका मतलब घोषणा होता है, बाकी कुछ विशेष नहीं है। तो दो हाल ही में घोषणाएं की गई, एक तो न्यायिक आदेश दिया गया और दूसरा सार्वजनिक भाषण CGI के द्वारा, इन दोनों ने ध्यान आकर्षित किया है उस तरीके की ओर, जिस तरीके से भारत में जमानत संबंधी कानून काम करता है।
ठीक है, वाइल द सुप्रीम कोर्ट, तो कह रहा है जहां एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस में, ये केस का नाम है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हैज सोट, सोट जो है वो सीख की थर्ड फॉर्म है, क्या है सोट, सोट है सीख की थर्ड फॉर्म, सीख सॉट सॉट, सेकेंड फॉर्म भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अब यहां थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि इससे पहले हैज दे रखा है, तो अगर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है और आपको ये पता लगाना हो कि सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि उससे पहले कोई सहायक क्रिया है कि नहीं है, अगर सहायक क्रिया है तो उसे थर्ड फॉर्म कहना है और सहायक क्रिया नहीं है तो उसे सेकेंड फॉर्म मान लेना है। क्या होता है सीख, चाहना होता है, कोशिश करना होता है, तलाशना होता है, ये इसके मीनिंग है। तो कह रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या कोशिश करी, ये चाहा, ये कोशिश करी, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, द स्कोप, दायरा, फॉर द ग्रांट, ग्रांट का स्वीकृति, ऑफ अर्ली बेल, कि जल्दी जमानत दे दी जाए, ऐसा जो दायरा है उसको बढ़ाया जाए, किसके लिए, उन लोगों के लिए जिनको गिरफ्तार किया गया है बिना कोई पर्याप्त कारण के, बिना कोई सफिशियंट कोज के। द CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, नाम है ये NV रमना, इन्होंने क्या किया, हैज़ बीमोन्ड, बीमोन का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे फिलहाल है कंप्लेन, वैसे तो बीमोन का मतलब शोक मनाना, विलाप करना, ये भी होता है, यहाँ पे इसका मतलब है कंप्लेन करना, शिकायत करना। इन्होंने शिकायत करी है किस बात की, द इंजरी टू पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत आज़ादी, इंजरी का मतलब इसको नुकसान पहुंचा है, इस बारे में शिकायत करी है, कोज्ड बाय हैस्टी अरेस्ट, और किस कारण से ये हुआ है, ये हुआ है जल्दीबाजी से गिरफ्तारी करने के, मतलब हैस्टी अरेस्ट से अरेस्ट के गिरफ्तारियां हैं, और कैसी गिरफ्तारी है, हैस्टी यहाँ पे एग्जेक्टिव है कि बहुत जल्दीबाजी में गिरफ्तारी कर ली जाती है, इससे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी हानि होती है, इसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया, कंप्लेन किया, हर्डल्स इन द वे, ठीक है, और किस कारण से ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्षति इस कारण से ही पहुंचती है कि हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं उस रास्ते में, रास्ता किसका, रिलीजिंग सस्पेक्ट्स ऑन बेल, कि भाई रिलीजिंग, रिहाई करना, सस्पेक्ट्स जिन पर संदेह है, तो जिन लोगों पर संदेह है उनको रिलीज करने में भी काफ़ी बाधाएं आती हैं जमानत पर रिहा करने में, एंड द प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड का मतलब होता है काफ़ी लंबा, एक्सटेंडेड कह सकते हो, एक्सटेंडेड लंबा, जो काफ़ी लंबे समय तक चले, और इनकार्सरेशन जो होता है इसका मतलब होता है गिरफ्तारी, इसका मतलब है अरेस्ट कह सकते हो, इसको कैद कह दीजिए, इम्प्रिजनमेंट या कस्टडी, या तो कह दीजिए कस्टडी या फिर क्या कह दीजिए, इम्प्रिजनमेंट, ये दो इसके मतलब हो सकते हैं, या तो इम्प्रिजनमेंट या फिर कस्टडी। तो कह रहे प्रोलोंग्ड इनकार्सरेशन ऑफ दोज अंडर ट्रायल, और जो लोग जिन पर मुकदमा चल रहा है उन पर एक्सटेंडेड इनकार्सरेशन हो, या उन पर कैद कर दिया जाए, लंबे समय तक कैद किया जाता है उनको, इससे, इस कारण से क्या होता है, इंजरी होती है पर्सनल लिबर्टी की, फिर समझिए। तो कह रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरफ जो एक केस था सत्येंद्र कुमार और सीबीआई वाला जो केस था उसमें चाहा था कि एक्सपेंड किया जाए, विस्तार किया जाए उस दायरे का, जिस दायरे में जल्दी जमानत दे दी जाए, किसको, उन लोगों को जो कि सफिशियंट कोज के बगैर गिरफ्तार किए जाते हैं, ठीक है, तो इस दायरे को बढ़ाया जाए, ये चाहा। वहीं दूसरी ओर देखें तो CJI जो हैं उन्होंने यहाँ पे निंदा करी है, क्रिटिसाइज़ किया है या फिर शिकायत करी है कि भाई पर्सनल लिबर्टी का नुकसान होता है किस कारण से, जल्दी गिरफ्तार करने से, और जो सस्पेक्ट्स हैं, जो संदेह जिन पर हैं, उनको जमानत पर रिहा करने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं उस कारण से, और काफ़ी लंबे समय तक कैद किया जाता है उन लोगों को जिन पर मुकदमा चलता है, तो उस कारण से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि होती है, ये बात इन्होंने कही, इस कारण से, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, ये इनका मंशा थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब तो हैज सॉट, ठीक है, ये हैज और ये सॉट, ये इसकी वर्ब है। फिर नीचे आगे देखेंगे CJI की वर्ब है वो हैज़ बीमोंड है, बाकी कुछ वर्ड्स इसमें हैं, तो एक तो सॉट जो कि थर्ड फॉर्म थी, सीक सॉट सॉट, चाहना, तलाशना, कोशिश करना, ये सब मतलब होता है। एक यहाँ पे बीमोन दे रखा है, बीमोन का कंप्लेन करना है, डिप्लोर करना है, निंदा करने को कह सकते हैं। एक इनकार्सरेशन है, इसका मतलब कैद होता है, ठीक है, बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं है। आगे देखिए,
द एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न, एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न का मतलब हो गया जो ये चिंता जाहिर की गई है ना, ये चिंता की जो अभिव्यक्ति है ये किस कारण से है, तो ये जो एक्सप्रेशंस है आर, ये है ए टाइमली रिमाइंडर, एक समय पर याद दिलाने वाली चीज है, समय पर एक रिमाइंडर दिया गया है किसको, रेजिम्स को। रेजिम्स का मतलब गवर्नमेंट से है, सरकारों को, सरकारों को। दैट हैव बीन, कौन सी सरकारें, दैट आर रेजिम्स के लिए, ये वो सरकारें हैं जो हैव बीन यूजिंग देयर पुलिस पावर्स, जो अपने पुलिस पावर का उपयोग कर रही हैं, क्रैक डाउन ऑन, क्रैक डाउन ऑन का मतलब होता है सख्त कार्यवाही करना, टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट, ठीक है, सख्ती बरतना, सख्त कार्यवाही करना, ये मतलब होता है क्रैकडाउन ऑन का। तो जो एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न है वो टाइमली रिमाइंडर है उन सरकारों के लिए जो कि अपने पुलिस पावर का यूज करती हैं आलोचकों पर सख्त कार्यवाही करने के लिए, एक्टिविस्ट पर सख्त कार्यवाही करने के लिए, और उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से उनका साथ नहीं देते हैं, अलाइंड नहीं है, अलाइंड का मतलब है जो उनके लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, राजनीतिक रूप से जिनके विचार मेल नहीं खाते उन पर आप सख्त कार्रवाई करते हो, उनकी बात की है। तो एक्सप्रेशंस वर्ब है, इसके सब्जेक्ट है इसकी वर्ब आर है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो रेजिम्स के लिए आया है, इसकी वर्ब हैव बीन यूजिंग है, हैव बीन यूजिंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है क्योंकि बीन के साथ वी जीरो प्लस आई एन जी आ रहा है, ठीक है। क्रैक डाउन ऑन ये एक फ्रेज है, फ्रेज क्यों है, क्योंकि इसमें शब्दों की संख्या काउंट करें आप, एक शब्द से अधिक शब्द अगर हैं किसी टर्म में उसे आप फ्रेज कह सकते हैं, तो क्रैक डाउन ऑन एक दो तीन, एक क्रैक है, एक डाउन है, एक ऑन है, इसलिए ये फ्रेज का नाम देंगे। अलाइंड है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि जो कंसर्न के एक्सप्रेशंस है, जो चिंता जाहिर की गई है, ये एक्सप्रेशंस एक टाइमली रिमाइंडर, रिमाइंडर नाउन है, टाइमली एडजेक्टिव है। जैसे कुछ वर्ड्स के बाद पहले बाद साथ में एलवाई लगता है तो उसे आप एडवर्ब कहते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब नाउन के साथ एलवाई आप जोड़ते हो तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, टाइम नाउन है उसमें एलवाई जोड़ा है तो एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव के साथ एलवाई जुड़ता तो उसे हम एडवर्ब कह सकते थे। तो एक समय पर एक याद दिलाया गया है सरकारों को, उन सरकारों की बात है जो सरकारें अपने पुलिस पावर का यूज करती है, क्रिटिक्स, एक्टिविस्ट और वो लोग जो राजनीतिक रूप से उनसे सहमत नहीं हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए। हाव एवर, हालांकि, जब विरोधाभास दर्शाना हो, कॉन्ट्राडिक्शन दर्शाना हो तो हाव एवर का प्रयोग करते हैं। हालांकि देयर इज एन आयरनी, आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य, व्यंग्य का मतलब है विरोधाभास है इसमें, ठीक है। देयर से स्टार्ट है क्योंकि कंजंक्शन आ गया है तो इसलिए इन्वर्जन है, पहले क्रिया है उसके बाद सब्जेक्ट है, तो ये इन्वर्जन का प्रकार है कि क्रिया पहले हो सब्जेक्ट बाद में हो, तो ये उल्टा रूप होता है। आयरनी नाउन है क्योंकि एन लगा हुआ है, डिटर्मिनर लगा हुआ है तो नाउन हो गया। तो हालांकि ये एक व्यंग्य है इन कोर्ट्स या विरोधाभास है न्यायालय में। बैटिंग फोर, बैटिंग फोर का मतलब आप इसको ऐसे कह दो सपोर्टिंग फोर, सपोर्टिंग कह दीजिए कि जो सपोर्ट करते हैं पर्सनल लिबर्टी को, निजी स्वतंत्रता को, एंड लेमेंटिंग इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट, और लेमेंट मतलब वैसे तो होता है दुख मनाना, विलाप करना, लेकिन यहाँ पे भी इसका मतलब जो शिकायत करते हैं, जो निंदा करते हैं, तो इसको डिप्लोर कह सकते हो आप, निंदा करना। और इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है डिजल्ट्री, अंधाधुंध कह सकते हो, बिना कोई तौर तरीके कह सकते हो, रैंडम कह सकते हो, है ना, केयरलेस तरीके कह सकते हो, और बिना कोई उद्देश्य के अंधाधुंध तरीके से जो गिरफ्तारियां होती हैं एक तरफ, तो कह रहे हैं हालांकि एक विरोधाभास है कि एक तरफ तो वो कोर्ट जो कि यहाँ पे सपोर्ट करते हैं पर्सनल लिबर्टी को और निंदा करते हैं अंधाधुंध गिरफ्तारियों का, ठीक है, एक तरफ, बट रूटीनली डिनाइंग, लेकिन अगर आप उनके रूटीन को देखें कोर्ट्स में होता क्या है, तो वो क्या करते हैं, जमानत देने से मना कर देते हैं या फिर पोस्टपोन कर देते हैं बेल हियरिंग्स को, कि जमानत याचिका की जब सुनवाई होती है तो उसकी हियरिंग को पोस्टपोन कर देते हैं दूसरी तरफ, ऑन द अदर। तो एक तरफ तो आप कहते हैं पर्सनल लिबर्टी को मेंटेन करना है, ठीक है, आप कहते हैं कि भाई अंधाधुंध गिरफ्तारियां जो हो रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जमानत की बात आती है आप खुद जमानत नहीं दोगे, आप जमानत वाली जो कार्यवाही होनी चाहिए जो हियरिंग्स है उसको टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, तो ये विरोधाभास है, इसी कारण से वहाँ पे आयरनी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, नेवरदलेस ये कंजंक्शन है, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, कंजंक्शन है विरोधाभास जताने के लिए काम में आता है, फिर भी। द वर्डिक्ट रिइटरेटिंग, रिइटरेट का मतलब होता है दोहराना, स्पीक अगेन, से अगेन,
क्या मतलब है? स्पीक अगेन या से अगेन। वर्डिक्ट का मतलब होता निर्णय, डिसीजन कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है हालांकि या फिर भी जो निर्णय है, रीइटरेटिंग जो दोहरा रहा है, जो रिपीट कर रहा है, द मेजर प्रिंसिपल्स, मेजर मतलब मुख्य, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांतों को, द डिटर्मिनर है, मेजर एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल्स नाउन है, इन फेवर ऑफ मतलब किसके पक्ष में, ग्रांटिंग बेल जमानत को स्वीकार करने के पक्ष में, एंड लेइंग डाउन, ले डाउन का मतलब लिख लीजिएगा, ले डाउन से मतलब होता है स्टिप्यूलेट या फॉर्मुलेट, निर्धारित करना, स्टिप्यूलेट या फॉर्मुलेट, निर्धारित करना, ठीक है। और ले डाउन कर रहा है कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइंस, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक गाइडलाइंस मतलब एक बता रहा है कि भाई इस हिसाब से काम करना है, फॉर अरेस्ट, गिरफ्तारी के लिए, इज क्वाइट वैल्यूबल, ये बिल्कुल मूल्यवान चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हालांकि या फिर भी जो वर्डिक्ट है, जो निर्णय है कोर्ट का, जिसमें दोहराया गया है मुख्य प्रिंसिपल्स को, और मुख्य प्रिंसिपल्स कौन से हैं कि आप जमानत को स्वीकृति के फेवर में बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइन बनाने की, गिरफ्तारियां करनी है तो उसके लिए गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स पर गिरफ्तारी हो सकती है, जो ये आप बात कर रहे हो, तो इस संदर्भ में जो ये वर्डिक्ट दिया गया है, तो ये तो रीइटरेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में जब कोई वर्ब को एडजेक्टिव मानते हैं तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देते हैं। अब जब नाउन के बाद में जब एडजेक्टिव लगता है, हमेशा नाउन के पहले लगता है लेकिन कई बार नाउन के बाद में लगता है, तो उसे हम नाम देते हैं पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव, ठीक है। तो कह रहा है कि फिर भी जो निर्णय है, कौन सा निर्णय, ये वो निर्णय है, अविशेषता बता रहा है, जो दोहरा रहा है मेजर प्रिंसिपल्स को, मेजर प्रिंसिपल्स कौन से हैं, बेल ग्रांट करने के फेवर में जो प्रिंसिपल हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव गाइडलाइन को फॉर्मुलेट करने या स्टिपुलेट करने, निर्धारित करने के संदर्भ में है अरेस्ट को लेकर, ये वर्डिक्ट, वर्डिक्ट की वर्ब है इज, वैल्यूबल है एडजेक्टिव, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है जनरली वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स, और वैल्यूबल से पहले है क्वाइट, ये है एक एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है एडवर्ब। क्वाइट के बारे में ध्यान रखिए, क्वाइट जो शब्द है, ऐसे एक वर्ड होता है क्यू यू आई ई टी, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शांत, साइलेंट, और ये जो क्वाइट है ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है, और ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा था तो एडवर्ब ही चाहिए था यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अब उदाहरण के लिए द बेंच, बेंच बताइए आपको, जजेस का समूह होता है, हैज कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, या फिर आप इसे कहते हैं डिमांड, तो डिमांड के साथ तो आप प्रेपरेशन लगाएंगे नहीं, लेकिन कॉल फॉर या आस्क फॉर, ये दो फॉर लग सकते हैं, इनका मतलब मांग करना है। तो यहाँ पे बेंच ने डिमांड करी है किसकी, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की। स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऐसे आदेश होते हैं जो कि एक प्रकार से आप ये मान लो कि उनका पालन करना ही पड़ेगा, वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे पालन तो चल जाएगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। वैसे जनरली गूगल आप करोगे तो इसका मतलब होता है बैंक को एक आदेश मिलता है जिसके अंदर कहा जाता है कि आपको एक निश्चित राशि और निश्चित समय तक के लिए आपको देनी पड़ेगी अपने खाते से, यह आदेश होता है। बाकी ये यहाँ पे जो है इसका मतलब एक प्रकार से सख्त आदेश मान लीजिए, ठीक है। तो बेंच ने उदाहरण के लिए डिमांड करी है स्टैंडिंग ऑर्डर्स की, किस लिए, कि भाई आप प्रिंसिपल को, आप ये जो प्रिंसिपल से फॉलो करेंगे, एडहेयर का मतलब होता है कंप्लाई करना, एडहेयर के साथ लगता है टू और कंप्लाई के साथ लगता है विद, इसका मतलब पालन करना है, ठीक है। तो बेंच ने डिमांड करी है कि भाई ऐसे आदेश निकाले जाने चाहिए जो कि पालन करवाए, किस प्रकार का पालन, ये जो अर्नेश कुमार वाला केस था ना, उसमें कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए थे, सिद्धांत सेट किए गए थे, उनका पालन करें। किसके आधार पर, ये है सेक्शंस 41 एंड 41A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये जो एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये जो एक अपराध संहिता जो है, उसके ये जो सेक्शंस है 41 और 41A, इसके आधार पर कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं, उसके पालन करने के लिए कुछ आदेश निकाले जाएं, ये बेंच का कहना है, जिसके तहत, इसके तहत क्या होता है, अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर, इसके तहत ये होगा कि एक पुलिस ऑफिसर को ज़रूरत पड़ेगी टू रिकॉर्ड रीजंस, कि वो कारणों को रिकॉर्ड करे फॉर अरेस्टिंग, गिरफ्तारी करने के लिए एन अक्यूज्ड, एक आरोपी की, एंड इज एक्सपेक्टेड, और उस पुलिस ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है टू इश्यू अ नोटिस ऑफ अपीयरेंस इन केसेस
इन्वॉल्विंग ऑफेंसेज, ठीक है, कि वो इशू करे एक नोटिस को. नोटिस क्या, कि भाई यहाँ पे जो केसेस होंगे, कौन से केसेस जिसके अंदर ऑफेंसेज शामिल हैं, अपराध शामिल हैं, ऑफेंस का मतलब अपराध, ठीक है, उस संबंधित जो केस होगा उसमें अपीयर होगा. दैट अट्रैक्ट, अभी ऑफेंसेज की बात कर रहा है, कौन से अपराधों की बात कर रहा है, ये वो अपराध है जिसके अंदर कारावास हो सकता है, प्रिजन टर्म मिल सकता है, जेल हो सकती है ऑफ लेस देन 7 ईयर्स, और कितनी, 7 साल से कम की. लेस देन, लेस डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन है, और इसकी डिग्री पॉजिटिव लिटिल होती है भाई, लिटिल होती है पॉजिटिव डिग्री, लेस होती है कंपैरेटिव, लीस्ट होती है सुपरलेटिव, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है. फिर समझ लीजिए, तो उदाहरण के लिए बेंच ने डिमांड करी है कि ये जो इस केस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो किया जाए. किसके आधार पर? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शंस 41A और 41A के अनुसार. इसके तहत होता क्या है, इसके तहत एक पुलिस ऑफिसर से ये रिक्वायरमेंट होती है, इज रिक्वायर्ड, ये पैसिव हो गया, इससे ये चाहा जाता है कि ये रीजन को रिकॉर्ड करेगा पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने से पहले किसी अक्यूज्ड को, अक्यूज्ड का मतलब आरोपी है, और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक नोटिस जारी करेगा अपीयरेंस का उन केसेज में जिसमें कि अपराध शामिल हैं. और ये कौन से अपराध हैं? ये वो अपराध हैं जिसके अंदर कारावास हो सकता है 7 साल से कम का, ठीक है. द वर्डिक्ट हैज अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. वर्डिक्ट वही निर्णय की बात कर रहा है, कोर्ट का जो आदेश है उसकी बात कर रहा है. इसके कुछ और भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ सकारात्मक पहलू हैं. एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू, पॉजिटिव सकारात्मक, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एस्पेक्ट्स नाउन है, अदर यहाँ पे डिटर्मिनर का काम कर रहा है. अदर के बारे में थोड़े बता दूँ आपको मैं, कि अदर का प्रयोग जब आप करते हो तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होना चाहिए. अगर आप द अदर लगाते हो तो नाउन लगनी चाहिए सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि द अदर लगाते ही क्या होता है, स्पेसिफिक हो जाता है, और वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किसकी बात कर रहा है, एकवचन या बहुवचन. ये जो अदर है ये जेनरिक है, इसके साथ हमेशा ही प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे. और एक अनदर होता है, ये भी जेनरिक होता है, और चूंकि इसमें एन जुड़ा हुआ है इसलिए इसके साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे. समझने वाली बात क्या थी, कि अनदर के साथ में नाउन कैसे आती है सिंगुलर, अदर के साथ कैसे आती है प्लूरल, लेकिन जैसे ही द अदर मिले तो देखना कि कैसा कॉन्टेक्स्ट है. अगर प्लूरल की आवश्यकता है तो प्लूरल लगाएंगे या फिर सिंगुलर लगाएंगे. तो इसके कुछ और भी सकारात्मक पहलू हैं, कौन कौन से हैं. ये जो साइन लगा रखा है ना दो ऐसे, तो इसको बोलते हैं कॉलन. क्या बोलते हैं? कॉलन. ये कब लगाते हैं? जब आपको कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है, कोई चीज़ को डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब कर रहा है. देखो, सेटिंग टाइम लिमिट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ बेल. डिस्पोजल का मतलब सेटलमेंट से है, निपटारे से है. तो यहाँ पे कुछ और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये थे इसमें, इस निर्णय में ये कहा गया था कि टाइम सेट किया जाए बेल जमानत के सेटलमेंट के लिए, एन एंटिसिपेटरी बेल. एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है? गिरफ्तारी से पहले भी कुछ लोग जमानत की अर्जी लगा देते हैं, कि उनको पता होता है गिरफ्तार करेगी पुलिस, तो उससे पहले ही वो अर्जी लगा देते हैं, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है. एप्लीकेशंस आवेदन एंड अंडरस्कोरिंग. अंडरस्कोर का मतलब होता है स्ट्रेस करना, दबाव डालना, जोर डालना, ठीक है, स्ट्रेस करना कह सकते हो. दैट एन अरेस्ट मस्ट बी मेड, कि केवल गिरफ्तारी कब होनी चाहिए? ओनली वैन, केवल उस स्थिति में, एक्चुअली रिक्वायर्ड, जब वास्तव में जरूरत हो. और टू प्रिवेंट, या फिर किस लिए? रोकने के लिए. किसको? अक्यूज्ड को. किस चीज़ से रोकना है? प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम लगेगा, रोकना किससे है. फ्लीइंग, फ्ली का मतलब होता रन अवे, भाग जाने से. जस्टिस, न्याय से, या जो भी कोर्ट का डिसीजन है उससे. और टेम्परिंग, टेम्पर का मतलब होता टिंकर, या फिर मेडल, छेड़छाड़ करना, या फिर अगर छेड़छाड़ हुई है किससे? एविडेंस से, सबूतों से. कुछ काम की चीज़ें हैं इसके अंदर समझना, पहले तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ. आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट और की पॉइंट्स. द वर्डिक्ट हैज़ अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. इस निर्णय के कुछ और भी सकारात्मक पहलू हैं. क्या पहलू है? कि इसमें टाइम्स लिमिट की बात की गई है, कि टाइम लिमिट सेट करें इस जमानत का सेटलमेंट करने के लिए, या एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो एप्लीकेशन आई हैं उनके लिए. और क्या कहा गया है? अंडर स्कोरिंग, जोर दिया गया है कि गिरफ्तारी केवल उसी स्थिति में होनी चाहिए जब वास्तव में ज़रूरत हो, या फिर क्या, कि अपराधी को रोकने के लिए, कि अपराधी अगर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या जस्टिस से भाग रहा है तो उस समय गिरफ्तारी होनी चाहिए. सब्जेक्ट वर्ब की बात करेंगे तो वर्डिक्ट की वर्ब है वो हैज़ है. एन अरेस्ट, इसकी वर्ब एन यहाँ डिटर्मिनर, अरेस्ट नाउन है. मस्ट बी मेड पैसिव वॉइस है, ठीक है. अंडरस्कोर का स्ट्रेस डालना है, जोर डालना है. फ्ली का मतलब रन अवे है, याद रखना. फ्ली के साथ अवे नहीं आएगा, रन के साथ अवे आ सकता है, फ्ली के साथ अवे नहीं आएगा.
एविडेंस है वो अनकाउंटेबल नाउन है, एविडेंस का प्लूरल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। टेम्पर का मतलब छेड़छाड़ करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एक रोचक यहाँ पे योगदान क्या रहा, द बेंच हैज मूटेड, बेंच ने प्रस्तुत किया, मूट का मतलब बताया, पुट फॉरवर्ड होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है, तो इंट्रोड्यूस किया ए सेपरेट बेल एक्ट, एक अलग से कानून बना दिया जमानत के संबंध में, ऑन द लाइन्स ऑफ, किसके सिमिलर है ये, ऑन द लाइन्स ऑफ मतलब सिमिलर टू समथिंग, किसके सिमिलर है, द वन इन द यूनाइटेड किंगडम, तो वन आ रहा है इस कानून के लिए, ऐसा ही कानून यूके में चलता है। टू स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है इंप्रूव करना, किस लिए बनाया है कानून, सुधारने के लिए, किसको, बेल प्रोसेस, जमानत की प्रक्रिया को सुधारने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा कि इस बेंच ने एक सेपरेट बेल एक्ट को मूट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, पुट फॉरवर्ड किया है, प्रस्तुत किया है, और ये किसके सिमिलर है, यूके के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है, और ये किस लिए किया है, ताकि जमानत प्रक्रिया को सुधारा जा सके, स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ये आज के क्विजेज हैं, डिस्पोजल, ले डाउन, इंडिस्क्रिमिनेट और बीमोन, इनके आंसर्स आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, लाइक जरूर करके जाएं, शेयर मैक्सिमम करें, और साथ में बता दूं आपको कि आपको इसका पीडीएफ मिल गया होगा सुबह टेलीग्राम चैनल पर ही, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आशीष क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, आशीष क्लासेस के नाम से ही एप्लीकेशन है, वहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, मेंस का प्रैक्टिस बैच है, वहाँ पे आपका एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेट्स भी दे रखे हैं, आपको ई बुक्स अवेलेबल करवाई गई है, जीरो टू एडवांस ग्रामर का कोर्स उपलब्ध है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार जाके देखेंगे समझ में आपको आएगा। आगे देखिए, इट इज़ इंडीड ट्रू, ये वास्तव में सच है, इट की वर्बिज है, इंडीड एडजेक्टिव है, ट्रू नाउन है, क्या सच है, दैट कंजंक्शन है, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, द बेसिक्स ऑफ बेल लॉ बीइंग क्वाइट अननोन, तो इस चीज़ के बावजूद कि बेल लॉ जो है, कानून है जो जमानत संबंधी, उसके अंदर जो बेसिक्स हैं वो अभी भी अननोन है, ठीक है, क्वाइट अननोन है, मतलब अभी भी कुछ ज्ञात नहीं है उस बारे में, इस चीज़ के बावजूद, स्पेशली दैट द बेल इज द रूल, विशेष करके ये बात कि जमानत जो है वो एक नियम है, एंड इट्स डिनाइल द एक्सेप्शन, और अगर आप इसके लिए इनकार कर रहे हो तो ये अपवाद है, देर आर ग्लेयरिंग, ग्लेयरिंग का मतलब होता है क्लियर या ऑब्वियस, ग्लेयरिंग का मतलब है क्लियर या ऑब्वियस, स्पष्ट को बोलते हैं, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, आर आ रहा है पहले, फिर आ रहा है इनकंसिस्टेंसीज नाउन, और ये इसका एडजेक्टिव, तो स्पष्ट सी इनकंसिस्टेंसीज मतलब अनियमितताएं हैं, ओवर हु गेट्स बेल, किस चीज को लेकर है, ओवर का मतलब ओवर यहां प्रेपोजिशन, इसका मतलब रिलेटेड टू, ओवर का मतलब ये भी होता है रिलेटेड टू, संबंध में, किस संबंध में इनकंसिस्टेंसीज हैं, कि किसको जमानत मिलेगी, हु इज डिनाइड इट, किसको इसके लिए इनकार किया जाता है, एंड एट वॉट स्टेज, और कौन सा ऐसा स्टेज आएगा कि जिस पर यह जमानत दी जाती है, कौन सा स्टेज जमानत दी जाती है, ठीक है। इट की वर्ब तो है इज, बेल की वर्ब है इज, इनकंसिस्टेंसीज की वर्ब है आर, हु की वर्ब है गेट्स, हु की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है इसके अंदर, तो ये वास्तव में सत्य है कि बेल लॉ जो है उसके बेसिक्स का हमारे को पता नहीं है, विशेष करके ये नहीं पता है कि बेल जो है वो रूल है, और इसका डिनाइल, इसको मना करते हो तो ये अपवाद है, बहुत सारे, इसके बावजूद भी बहुत सारी अनियमितताएँ हैं कि किसको जमानत मिलेगी, किसको मना किया जाएगा, कौन से स्टेज पर इसको दिया जाएगा, ठीक है। ए सेपरेट लॉ, एक अलग से कानून, मे प्रोवाइड ए कॉमन रेफरेंस पॉइंट, एक सामान्य सा रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कर सकता है, मे बताता है संभावना, पॉसिबिलिटी बताता है, मॉडल है, तो एक सेपरेट लॉ, सेपरेट यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, लॉ यहाँ पे नाउन हुआ, ए यहाँ डिटर्मिनर हुआ, तो एक अलग से कानून जो आप बना रहे हो तो हो सकता है कि कॉमन रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करे, बट लेकिन वेदर इट विल पुट एन एंड, कि क्या ये अंत कर देगा किस चीज़ का, टू द कंट्रीज अनस्टेटेड रूल, किसको, जो देश का ऐसा रूल है जो अनस्टेटेड, इसमें बताया ही नहीं गया है, स्टेट करना मतलब बताना, अनस्टेटेड मतलब बताया नहीं गया है, रूल तो है सब नाउन यहां पे, और ये है इसका एडजेक्टिव अनस्टेटेड, ठीक है ना। तो एक सेपरेट लॉ जो है वो प्रोवाइड कर सकता है कॉमन रेफरेंस पॉइंट, लेकिन क्या ये एंड करेगा कंट्री के अनस्टेटेड रूल को, क्या रूल है कि शो मी द मैन, कि मुझे दिखाओ कि कौन आदमी है, ठीक है, और आई विल शो यू द लॉ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कानून कैसा है, ये जो रूल है कि आप शकल देख के टीका निकालते हो, ये जो रूल है विल एवर फेड अवे, तो ये जो चीज़ है वो हमेशा ही क्या होगा, फेड अवे का मतलब धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है। द स्टेट ऑफ द मजिस्ट्रेसी, मजिस्ट्रेसी स्टेज का मतलब हो गया कि भाई कैसी स्थिति जज की होती है, ठीक है, ऑल्सो रिक्वायर्स, तो ये जो स्टेट है इसको भी आवश्यकता है,
किस चीज़ की ओवरहॉल की, ओवरहॉल का मतलब होता है थोड़ा बहुत चेंज करने की, थोड़ा बहुत एडिट करने की, थोड़ा बहुत बदलाव कर सुधार करने की, ठीक है। तो मजिस्ट्रेसी की जो स्टेट है उसमें भी सुधार की ज़रूरत है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। मजिस्ट्रेट सीम कंडीशनड, मजिस्ट्रेट ऐसा लगता है कि वो कंडीशनड है, उनको ट्रेनिंग मिलती है ऐसी, या फिर वो एकस्टम्ड है, आदि हैं किस चीज़ के, ऑथोराइजिंग मैकेनिकल रिमांड कि वो ऑथोराइज करते हैं, अधिकार देते हैं। मैकेनिकल का मतलब होता है बिना थॉट के, बिना सोचे समझे। रिमांड, रिमांड का मतलब जुडिशियल कस्टडी में होना, किससे पहले, मुकदमा चलने से पहले। मुकदमा अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, मुकदमे का निपटारा नहीं हुआ है, तब तक जेल में रखने को बोलते हैं रिमांड। तो मैकेनिकल रिमांड को ऑथोराइज कर देते हैं। वेन एवर समवन इज प्रोड्यूस बिफोर देम, जब कभी भी किसी को भी उनके सामने लाया जाता है। समवन की वर्ब इज प्रोड्यूस, द पैसिव है, बिफोर देम उनके सामने, ये देम आ गया जजेस के लिए, मजिस्ट्रेट्स के लिए। एंड टू डिक्लाइन बेल, और वो इनकार कर देते हैं जमानत से, एज सून एज द प्रोसिक्यूटर अपोजेज, जब कभी भी कोई वकील है इस बात का विरोध करता है तो वो तुरंत क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। द स्टेट की वर्ब है रिक्वायर्स, मजिस्ट्रेट्स की वर्ब है सीम, प्रोसिक्यूटर की वर्ब है अपोजेज, और समवन की वर्ब है इज, इज प्रोड्यूस्ड पैसिव है। मैकेनिकल का मतलब होता है बिना सोचे समझे। देयरफॉर इसीलिए, इट इज इंडीड वेलकम, ये वास्तव में स्वागत योग्य है, इसी कारण से ये स्वागत योग्य है। दैट द कोर्ट हैज मेड इट क्लियर, कि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है दैट बेल कैन बी कंसीडर्ड इवन विदाउट अ फॉर्मल एप्लीकेशन, क्या कि भी जमानत जो है उसको कंसीडर किया जा सकता है, इस बारे में सोचा जा सकता है बिना कोई औपचारिक एप्लीकेशन के, एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट, कब, उस स्थिति में जब किसी व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष लाया जाता है। प्रोडक्शन यहाँ प्रोड्यूस का प्रोसेस है, यहाँ उत्पादन करना नहीं है, प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे कोर्ट के सामने लाना है। तो इसी कारण से देयरफॉर जो होता है वो इलेटिव कंजंक्शन होता है, परिणाम बताने का काम करता है, ठीक है। तो जो हमने रीजंस गिनाए उसी के आधार पर कह रहा है, इसी कारण से ये स्वागत योग्य है वास्तव में। इट की वर्ब इज हो गई, इंडीड एडजेक्टिव है, वेलकम नाउन है, कि कोर्ट जो है उसने क्लियर किया है, कोर्ट की वर्ब हैज मेड है, क्या क्लियर किया है कि जमानत को कंसीडर किया जा सकता है। बेल की वर्ब कैन बी कंसीडर्ड है, इवन का मतलब भी होता है किस स्थिति में, बिना किसी फॉर्मल एप्लीकेशन की स्थिति में भी, किस, कब, जब किसी को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। और व्हेन ए पर्सन रेस्पॉन्ड्स टू समन्स और वारंट, या फिर कोई व्यक्ति रेस्पॉन्ड कर रहा है जब उसको कोर्ट बुला रहा है, वारंट भेज रहा है। समन्स का मतलब बुलावा होता है, समन्स सिंगुलर होता है भी, याद रखना, समन्स जो है वो नाउन फॉर्म की बात कर रहा हूँ, सिंगुलर है। अगर आप इसका प्लुरल बनाएंगे तो ये बनेगा समन्सेज, ये भी नाउन फॉर्म है और ये इसका प्लुरल है, ठीक है। रेस्पोंड के साथ टू लगता है, ध्यान रखना है। मोर देन द लॉ, कानून से भी ज़्यादा, द पुलिस मस्ट फर्स्ट पुट एन एंड टू द प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्सिवली अरेस्टिंग। रिफ्लेक्सिवली का मतलब है विदाउट थिंकिंग, विदाउट थॉट, आया था हमने डिस्कस किया था ये वर्ड। तो कह रहा है कि कानून से ज़्यादा पुलिस को पहले इस बात को एंड करना चाहिए, पुलिस को ये जो प्रथा चला रखी है, ये जो प्रैक्टिस है इनकी, कि ये बिना सोच समझे गिरफ्तार कर लेते हैं पहले, और उसके बाद में फिश मतलब तलाशते हैं, क्या, अ पॉसिबल ऑफेंस, कि संभवतया क्या अपराध इसने किया है। ऑफेंस का मतलब क्राइम है, पॉसिबल संभवतया, तो क्या संभवतः अपराध रहा होगा उसके कारण, उसके बाद आप खोजते हो, पहले गिरफ्तार कर लेते हो आनन फानन में, इस प्रैक्टिस को एंड करना पड़ेगा, कानून से भी ज़्यादा बड़ी बात तो ये है। तो ये था आज के सेशन में, अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।